दोस्तों गर्मी की छुट्टी होते ही बच्चों की सबसे पहली पसंद बन जाती है अम्यूजमेंट पार्क। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही इस तरह के पार्क में मस्ती करते हैं, उनके साथ साथ बड़े लोग भी राइड्स का आनंद उठाते हैं। जब तक सब कुछ सही चलता है तब तक सब कुछ सही लगता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही अम्यूजमेंट पार्क में कोई हादसा होता है तो माहौल सदमे में बदल जाता है। कई बार बड़े बड़े हादसे हुए हैं इस तरह के पार्क में। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको अम्यूजमेंट पार्क में हुए अब तक के सबसे भयानक हादसों को दिखाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पेंडुलम इराक। दोस्तों पेंडुलम राइड लेने में बहुत मजा आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत जानलेवा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए तस्वीर जो है इराक की। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे राइड का मजा ले रहे हैं लोग। जितनी भी सीट्स हैं वो सब भर चुकी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को आप समझा ही नहीं सकते। ये देखिए कैसे यहाँ पे एक बंदा जिसे राइड लेने का ऐसा जुनून था कि वो बीच में घुस गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्यों किसी ने उसे रोका नहीं। ये देखिए कैसे बीच में ये बंदा घुस गया और उसके बाद जो हुआ दोस्तों वो आप खुद ही देख लीजिए। इतनी स्पीड से आ रही स्विंग ने जो हालत की है इस बंदे की वो बताने लायक नहीं थी। ये देखिए कैसे स्विंग ने उसे दूर फेंक दिया। इस घटना में कई बंदे की हड्डियां टूट गईं, बहुत नुकसान हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जिस राइड पे चढ़ने के लिए ये इतना व्याकुल था उस पर इसे दोबारा चढ़ने में कई साल लग जाएंगे। कभी कहा जाता है कि जो भी करें सोच समझ कर करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और आपके एक लाइक से भी हम सब मोटिवेट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मिलकर कम से कम 30,000 लाइक्स इस वीडियो को देंगे ही। द माइंड बेंडर कनाडा। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो बहुत ही खतरनाक घटना हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सीडेंट आज से कई साल पहले की यानी कि 1980 के आसपास की। आपको बता दूं कि इस घटना में 4 लोगों की मौत उस समय हो गई जब 19 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब हादसे होते हैं तब लोगों को अकल आती है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दोस्तों हुआ ये कि जैसे ही ये ट्रेन शुरू हुई कि इसका जो पहिया है वो टूट कर नीचे गिर गया। उसके बाद तो एक एक करके सब नीचे की तरफ गिरते ही चले गए। 8 मीटर की ऊंचाई से सभी लोग नीचे की तरफ गिरे और कुछ लोग पिलर से भी टकरा गए। जी हाँ दोस्तों, ये हादसा इतना बुरा था कि इस अम्यूजमेंट पार्क को कुछ दिनों के लिए बंद जरूर कर दिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद राइड में बदलाव करते हुए इसे खोल दिया गया। इसे कहते हैं लोग मरे तो मरे लेकिन बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद खूब विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन फिर भी हर बार की तरह लोगों की याद से ये घटना भी गायब हो गई। किसी ने यहाँ के मैनेजमेंट को दोषी माना तो किसी ने ये कहा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों सवाल तो वही है ना कि जिसकी जान चली ही गई वो क्या दोबारा लौट कर आ पाएगा? कभी नहीं। अब बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक 2 ऐसी घटनाओं के लिए जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई मुझे तो अम्यूजमेंट पार्क बिल्कुल भी नहीं जाना। स्लिंगशॉट एट लूना पार्क फ्रांस। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फ्रांस देश की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, स्लिंगशॉट एट लूना पार्क एक बहुत ही पॉपुलर जगह है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर लोकल लोग भी खूब आते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ आज तक कभी भी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों अभी कुछ साल पहले ही जो हुआ उसने सबको डरा कर रख दिया, सबको परेशान कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एक झूला जिसमें कि 2 लोग ही एक समय पे बैठ सकते हैं वो टूट कर नीचे गिर गया। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ उस काली रात में, कैसे एक रस्सी टूट कर नीचे गिर गई थी। सब बहुत डर गए थे, सबको लगा कि इसके अंदर जो पति पत्नी है उनकी तो जान चली गई होगी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पत्नी के पैर में ही गंभीर चोट आई और दोनों की जान बच गई। इन्हें इतनी ऊंचाई से उतारने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगा, लेकिन दोस्तों जान बचे तो लाख उपाय। कई बार अम्यूजमेंट पार्क में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मिशन स्पेस USA। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी घटना जिसे देखने के बाद आप तो अम्यूजमेंट पार्क जाना ही भूल जाएंगे। जी हाँ, ये घटना है अमेरिका की। यहाँ पर एक ऐसा पार्क बनाया गया है जहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि आप स्पेस में घूम रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि इस तरह की घटना में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि इस अम्यूजमेंट पार्क में एक बार 4 साल के लड़के की जान चली गई थी। दोस्तों हुआ ये कि हद से ज्यादा इंटेंस राइड है ये और हर कोई इसे मैनेज नहीं कर पाता है। 4 साल का बच्चा जब इस इंटेंस राइड का मजा लेने के लिए आया तब शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ कि वो बच्चा मर गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। उस घटना के बाद भी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि इतना इंटेंस राइड लेने की जरूरत ही क्या है लोगों को, या सरकार इस तरह के राइड्स बैन क्यों नहीं करते। दोस्तों हुआ ये कि एक 38 साल की महिला भी इस इंटेंस राइड को लेने के बाद मारी गई। जी हाँ, कहा जाता है कि आपको इस राइड में फीलिंग दी जाती है कि आप किसी दूसरे प्लैनेट पे चले गए हैं।
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप मेंटली इस तरह की राइड में कितने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि कुछ बचता ही नहीं है। और अगर आप कमजोर दिल के इंसान है तो समझिए कि आपका हार्ट भी फेल हो सकता है। समझ में नहीं आता कि लोगों के मन में ऐसी राइड्स को लेकर क्या नशा है कि वो सब आज भी इन राइड्स को लेकर पागल हैं। टॉप स्पिन राइड पाकिस्तान। दोस्तों जब बात होती है पाकिस्तान की तो क्या ही कहना, लेकिन यहाँ भी एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबका दिल दुखा दिया। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने करे जो पाकिस्तान में हुआ वो दोबारा किसी और देश में हो। दरअसल पाकिस्तान की जो घटना हुई उसमें एक लड़की की जान चली गई और 18 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि ये घटना तब हुई थी जब इस टॉप स्पिन राइड को लोगों के लिए फ्री कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में राइड पे लोग बैठ गए थे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये इतनी दर्दनाक घटना थी कि लोगों ने इस अम्यूजमेंट पार्क को ही बंद करवा दिया। अब तो ठीक ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर हम इंसानों को सोच समझ कर फैसले लेने होते हैं। अब देखिए ना कैसे इस राइड पे जब जगह नहीं थी लोगों के बैठने की, लोग बैठ गए। एक्सीडेंट तो होना ही था, बहुत ही भयावह घटना थी। जब घटना हो गई तब सबने एक दूसरे पे आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों आरोप लगाने से क्या होगा, जिसके घर की बेटी गई कोई उससे पूछे कि क्या वो कभी दोबारा अम्यूजमेंट पार्क का नाम भी अपनी जुबान पे आने देंगे? कभी भी नहीं। ये देखिए दोस्तों, जब वो लड़की गिरी थी इस भयानक एक्सीडेंट में इस राइड के ऊपर से, वो देखकर सबका दिल दहल गया। द डिस्को डांस इंडिया। दोस्तों ये घटना है अपने देश इंडिया की। हुआ ये कि जो लोग अम्यूजमेंट पार्क में काम कर रहे थे उन्होंने डिसाइड किया कि छुट्टी के समय वो सभी इस डिस्को राइड का मजा लेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी एक भयानक घटना में तब्दील हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे डिस्को डांस ने एक इंसान की जान ले ली। हुआ ये कि जैसे ही इस राइड की शुरुआत हुई वैसे ही दोस्तों अचानक से ही ये डिस्को डांसर अपने पोजीशन से हिल गया और उसके बाद ये सीधे नीचे की तरफ आ गया। चूंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से एक इंसान की जान गई और बाकी बहुत सारे लोग भयानक तरह से चोटिल हो गए। कहते हैं कि इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया यहां के मैनेजमेंट को। टॉप स्पिन चाइना। दोस्तों चीन देश में अब से कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितने मजे से लोग यहाँ पे टॉप स्पिन का मजा ले रहे थे, सब कितने खुश नजर आ रहे हैं, सबको लग रहा है कि आज मस्ती करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कहाँ किसी को पता थी ये बात कि अब से कुछ ही देर बाद इनके साथ क्या होने वाला है। ये देखिए दोस्तों इस एक्सीडेंट में क्या हुआ, किसी ने इसका वीडियो बना लिया था जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से एक लड़की झूले से नीचे गिर गई। ये देखिए कैसे यहाँ पे बड़ा हादसा हो गया। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो लड़की इस झूले से नीचे गिरी उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ठीक तरह से सीट बेल्ट नहीं लगाया था। ये देखिए कैसे उसका खामियाजा इस लड़की को भुगतना पड़ा। हालांकि किसी की जान नहीं गई लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत ही भयानक चोट आई। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोई इंसान अगर 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो उसके साथ क्या होगा। हालांकि बाद में पता चला कि ये लड़की बहुत ही अनलकी थी, क्योंकि जिस सीट में वो बैठी थी वहाँ पर बेल्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। लेकिन दोस्तों भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि इस लड़की की जान कम से कम बच गई। वेव स्विंगर स्पेन। दोस्तों एक और ऐसी घटना हमें देखने को मिली स्पेन में। जी हाँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आप हक्के बक्के रह जाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि वेव स्विंगर में झूलना बहुत सुखद अनुभव देता है कि नहीं दोस्तों। लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं वो सबसे अलग और बहुत ही दर्दनाक घटनाओं में से एक है। भगवान न करे कि किसी के साथ ये घटना हो। दोस्तों अब आप इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा और तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक महिला इस बड़े से स्विंग से नीचे गिर गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये महिला सीधे नीचे गिर गई है। ये बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है। ये देखिए कैसे ये महिला स्विंग से गिरी और सीधे किसी लोहे के रॉड से टकरा गई। इस घटना में महिला के दोनों पैर टूट गए। इस घटना में महिला के हाथ टूट गए। वो जिंदा तो बच गई लेकिन मन में जो डर बस गया वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ये इतनी आसान बात भी नहीं है। इसे कहते हैं भयानक एक्सीडेंट। 20 मीटर हाई ड्रॉप USA। दोस्तों अमेरिका में एक और ऐसी घटना हुई जिसने सबका दिल दहला दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि महिला के बच्चे अपनी माँ को देखते रहे और माँ की जान निकल गई। दोस्तों ये देखिए इस तस्वीर को, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो घटना है वो कितनी भयानक रही होगी। इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए, कहाँ कोई बचता है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। वाकई में ये हादसा बहुत भयानक था और सबसे अजीब थे। जो लोग इस घटना के समय महिला के बगल में ही बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि महिला बहुत गुस्से में थी और उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर कई बार सवाल भी उठाए थे। अब आप ही समझिए कि ये कितनी बड़ी गलती की होगी यहाँ के मैनेजमेंट ने। हॉन्टेड कैसल फायर USA। दोस्तों अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक और ऐसी ही घटना जो कि आपको परेशान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए अमेरिका का ये नज़ारा है जहाँ पर पूरे के पूरे अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ही भयानक आग लग गई। जी हाँ, और वो भी ऐसी आग जिसने सबको जलाकर राख कर दिया। कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों के हाथ पैर जल गए और कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। भयानक हादसा था ये।
भगवान आप सबको बचाए ऐसी घटनाओं से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।